नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया खबर के ऑडियो बुलेटिन में। मध्य प्रदेश सरकार ने स्कूलों में 100% उपस्थिति का आदेश वापस दिया, कहा अभी 50% क्षमता के साथ ही खुलेंगे स्कूल। ओमिक्रॉन वेरिएंट की दहशत के बीच दक्षिण अफ्रीका से आई एक महिला जबलपुर पहुंची, सेना अस्पताल में किया गया क्वारंटीन। मध्य प्रदेश में पिछले 7 दिनों में मिले कोरोना के 121 मरीज, आंकड़ा बढ़ते ही सरकार हरकत में आई, सीएम ने बुलाई बैठक। प्रदेश में आज से लागू हो सकता है कमिश्नर सिस्टम, कलेक्टर, कमिश्नर, IGSP की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ आज होगी कॉन्फ्रेंस। प्रदेश में खाद को लेकर हो रही कालाबाजारी के बीच कृषि मंत्री कमल पटेल का बड़ा एक्शन, कृषि मंत्री ने दिए FIR के आदेश। प्रदेश में दिल दहला देने वाले आत्महत्या कांड में कर्जदार परिवार के अंतिम व्यक्ति की भी मौत, कांग्रेस ने भाजपा पर साधा निशाना। मध्य प्रदेश में फिर पटरी पर लौटा पर्यटन उद्योग, कान्हा रिजर्व को मिला 1,30,00,000 का रेवेन्यू। शिवराज सिंह चौहान की सख्ती के बाद मंत्री बिसाहूलाल ने मांगी माफी, ठाकुर महिलाओं को लेकर दिया था विवादित बयान। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सरकार की मीटिंग के बाद व्यापारियों में असमंजस, कहा कोई भी निर्णय लेने से पहले कारोबार की हालत के बारे में सोचे सरकार। और प्रदेश में दिसंबर में फिर बढ़ सकती है ठंड, मौसम विभाग का अनुमान, उत्तरी भारत से ठंडी हवाएं आने का सिलसिला शुरू हुआ।